हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 8 पार्ट 2 माय सिली सिस्टर। आज हम यूनिट 8 का पार्ट 2 में ये लेसन देखेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ पे इस लेसन में 3 कैरेक्टर है। ये जो गर्ल है ये गर्ल, दिस बॉय एंड मदर। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो अपनी मम्मी को अपनी बहन की कैसे मतलब शिकायत करता है, ठीक है, कि उसके बारे में क्या बता रहा है वो इस लेसन में है। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, यस मदर, योर बेबी इज सिली, सी इज सो वेरी चाइल्डिश। तो ये जो उसका भाई है, ब्रदर है, वो उसकी मम्मी को क्या बोल रहा है कि मम्मी ये आपकी जो बेबी है बहुत ही सिली है, बहुत ही चाइल्डिश, यानी कि बहुत ही नॉटी है, इसमें बहुत ही बचपना है, ठीक है। यानी कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कैसे मतलब शैतानी करते रहते हैं, हमेशा किसी की सुनते नहीं, वैसी वाली ये गर्ल है, ठीक है। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। तो क्या बता रहा है वो कि इसको स्ट्रीट लाइट यानी कि जो रोड पे जो लाइट्स होती है ना लगी हुई, वो लाइट और यहाँ ब्राइट स्टार्स यानी कि जो स्काई में जो नाइट टाइम में जो स्काई में स्टार्स होते हैं उनकी शाइन कितनी ब्राइट होती है। तो बता रहा है कि स्ट्रीट लाइट में और ब्राइट स्टार की शाइन में इसको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है, इसको लगता है कि सब एक जैसा ही है। व्हेन वी प्ले विथ पेबल्स सी थिंक दे आर रियल फूड, सी इवन ट्राई टू पुट देम इन टू हर माउथ। फिर जब हम पेबल्स खेलते हैं, यानी जो गेम होती है ना, जो पेबल्स जो खेलते हैं, जो स्टोन होते हैं छोटे छोटे, तो उसको क्या लगता है कि ये फूड है, रियल फूड समझ के वो अपने माउथ ओपन करके उसमें डालने की कोशिश करती है। वेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, सी टीयर्स द पेजेस विथ हर हैंड्स एंड ड्रोवर्स विथ जॉय एट नथिंग। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। फिर जब मैं बुक ओपन करता हूँ उसको पढ़ाने के लिए ABC, ठीक है, तो क्या करती हूँ, कैसे पढ़ाई करती है भाई के साथ, बुक ऐसे ओपन होती है, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि बुक ओपन है और गर्ल ने क्या किया है, पेजेस को फाड़ दिया है, मतलब दोनों हैंड से क्या करती है, जो ओपन की हुई बुक है उसके पेजेस से ना फाड़ देती है और जोर से मतलब ऐसे चिल्लाती है, रोअर करती है कि ये ऐसे आवाज़ करती कि मैंने ये किया वो किया, ठीक है, और उसको मज़ा आता है, उसको मतलब वो एंजॉय करती है इस तरह, मतलब वो स्टडी भी कैसे करती है इसी, मतलब वो क्या बोल रहा है भाई जो है, वो बता रहा है मम्मी को कि वो इस तरह लेसन हम अपना कंप्लीट करती है, कि वो इस तरह पढ़ाई करती है, मतलब भाई की वो बात सुनती नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखेंगे, When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. फिर जब जैसे सपोज आपकी मम्मी या पापा ने आपको किसी काम के लिए मना किया होगा, फिर भी आप वही काम करोगे, तो ऐसे वो गुस्से में क्या करेंगे, ऐसे सिर हिलाते हैं ना, तो उसे शेक बोलते हैं कि शेक माई हेड। तो बता रहा है वो ब्रदर जो है वो बता रहा है कि मैं गुस्से में ऐसे सिर हिला के उसको डांटता हूँ और उसको मतलब गुस्से में बोलता है कि नॉटी, उसको बोलता है भाई, तो उसको मज़ा आता है, वो हंसती है और फन करती है, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है। एवरीबडी नोज फादर इज़ अवे बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, सी लुक्स क्यूटली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंग्स दैट फादर इज़ नियर। फिर कभी कभी होता है ना कि ऐसे डराने के लिए, छोटे बच्चों को डराने के लिए ऐसा बोला जाता है कि अभी पापा आ रहे हैं, पापा रास्ते में हैं, तो कैसे बच्चा मतलब शांत हो जाता है, अगर कुछ मस्ती भी करता है, अगर किसी से डर लगता है उसका नाम लोगे तो क्या होता है कि वो डर जाएगा, तो वो जो भी शैतानी करता है वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो फादर का नाम प्लेफुली ऐसे लेता है कि फादर इज़ नियर, मतलब पापा यहाँ पे मतलब आ रहे हैं, तो क्या करती है, सी लुक्स क्यूटली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक दैट फादर इज नियर। तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और क्या मतलब क्या सोचती कि मतलब पापा अभी यहाँ पास में है, तो उसको कोई मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ डर नहीं लगता। बट समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज,
दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Only then she keeps quiet. I insist that she should call me Dada. फिर ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे डोंकी है, ठीक है. तो यहाँ पे जो वॉशरमैन है, वॉशरमैन यानी कि धोबी, तो धोबी जो है वो गंदे कपड़े लेने आता है, डर्टी क्लोथ्स यानी कि जो कपड़े धोने के लिए जो धोबी कपड़े लेने आता है, किस पे ये डोंकी को साथ में लेके आता है, डोंकी के साथ लेके जाता है, ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है भाई के उसको, फिर जब स्कूल मास्टर बन के जब उसको डांटता है जो उसका भाई है, तब वो थोड़ा अपना नॉइस जो है, मतलब थोड़ी वो तब शांत हो जाती है, क्वाइट हो जाती है कि ये स्कूल मास्टर बन के उसको डांट रहा है. तो थोड़ा उसको समझ में आ जाता है कि हाँ उसको डांट रहा है, तो तब वो थोड़ा शांत रहती है. बट जब ये जो भाई है उसको इंसिस्ट करता है, यानी कि उसको बोलता है कि तू मुझे दादा बोला कर. दादा यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको दादा दादी बोला जाता है, ठीक है. लेकिन जो कोलकाता बेंगल ये महाराष्ट्र साइड क्या होता है, दादा यानी कि बड़े भाई को दादा बोलते हैं उन लोगों में, ठीक है. तो ये जो है इस उसको बोल रहा है कि मतलब मुझे दादा बोला कर, लेकिन वो सुनती नहीं है. योर बेबी वॉन्ट टू कैच द मून, सी इज़ रियली फनी. तो फिर वो भाई क्या बता रहा है कि ये जो बेबी है, ये लड़की है, जो सिस्टर है, उसको मून को कैच करना है. तो ये बहुत ही फनी लड़की है, बहुत ही रियली ये बहुत ही फनी है. मदर योर बेबी सीली, सी इज़ वेरी चाइल्डिश. तो मम्मी तुम्हारी जो लड़की है बहुत ही सीली है, उसमें बहुत ही बचपना है, बहुत ही मस्ती करती रहती है, मस्ती खोर है. तो ये जो स्टोरी है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने राइट की है. यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, चाइल्डिश childish चाइल्डिश पेबल PEBBLE पेबल डोंकी DONKEY डोंकी DIRTY डर्टी ANGER एंगर EXCITEMENT एक्साइटमेंट PLAY FUL प्लेफुल NAUGSTY नॉटी WASHERMAN वॉशरमैन. ओके, तो ये स्टोरी अच्छे से रीड करना एक बार और अच्छे से समझना, और इसके वर्ड मीनिंग और हार्डवर्ड में सेंड कर देंगे. ओके, थैंक यू सो मच.